गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर निशाना साधा। गृह मंत्री ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। यह लोग गुजरात और उत्तर प्रदेश भी गए जहां खूब हल्ला मचाया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। यही हाल इनका मध्य प्रदेश में होगा। ये कांग्रेस की बी टीम है एक्चुअल में। ये कहीं भी जाएं, आप सबकी स्थिति देख लेंगे। जैसी इनकी स्थिति देश के उत्तर प्रदेश में, ये बहुत हल्ला मचा के गए, गुजरात में बहुत हल्ला मचा के गए, वैसे ही मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। यहाँ कभी यहाँ की जनता ने अभी तक के इतिहास में तो तीसरे दल को स्वीकारा नहीं। आगे स्थिति देखते हैं, जैसे कांग्रेस अब चूंकि रसातल को जा रही है तो देखते हैं क्या होता है आज उनका। वहीं कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन पर गृह मंत्री ने कहा कि ये फ्लॉप शो था, इससे ज्यादा पब्लिक भीम आर्मी और करनी सेना में जुटी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल ट्विटर और फेसबुक पर ही बची है। भीम आर्मी की रैली जो अभी छोटी सी पार्टी है उसमें 50,000 से ज्यादा लोग थे। इनकी में ये खुद ही कह रहे हैं कि 10,000 कोई भी नहीं कह रहा है, कोई 5 कहता है, कोई 2.5 कहता है, कोई 10 कहता है, लेकिन सब मिला के कोई 10 से ऊपर नहीं कह रहा। और वो जो पार्टी थी, चाहे भीम आर्मी आई हो, चाहे उसके एक महीने पहले एक और सेना आई थी, वो भी लाखों में हो गए थे, ये सैकड़ों में हजारों में भी नहीं हो पाए। एक फ्लॉप था, फ्लॉप शो था कांग्रेस का। चलो चलो करने वाले व्यक्ति थे तो जनता ने अब चलता कर दिया। और आप देखिए, सेनापति चला तो सेना लेके, और जैसे ही युद्ध का समय आया गिरफ्तारी का तो सेनापति गायब था। सेना पीछे पलट के देखी तो सेनापति ने गिरफ्तारी नहीं ली। ये स्थिति कमलनाथ जी ने कर दी है चलो चलो के साथ कांग्रेस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि शासकीय सेवकों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते एवं राहत दर में 1 जनवरी 2023 से वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अनुसमर्थन आज शासकीय सेवकों और पेंशनरों के देय महंगाई भत्ते राहत दर को 1 जनवरी 2023 से वृद्धि करने का आज कैबिनेट के द्वारा निर्णय किया गया है। आज कैबिनेट में निवाड़ी जिले में जिला पेंशनर कार्यालय खोले जाने और पदों की स्वीकृति का भी कैबिनेट के द्वारा आज तय किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।